आखिर शॉलिन मॉन्ग WWE में क्यों नहीं जाते? वेल, शॉलिन मॉन्ग की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है और शॉलिन मॉन्ग को सुबह 5:30 बजे उठकर 6 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करना होता है और लगातार 10 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद एक परफेक्ट शॉलिन मॉन्ग बन जाता है, जिसके बाद इन्हें उनके गुरु के सामने अपने आप को साबित करना होता है। और जो शॉलिन मॉन्ग अपने गुरु के सामने खुद को साबित कर लेता है, फिर वो खुद गुरु बनकर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और खुद भी ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ते, जिस वजह से शॉलिन मॉन्ग को ज्यादा टाइम नहीं मिलता। शायद इसी वजह से शॉलिन मॉन्ग WWE में नहीं जाते होंगे। नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये अपने कला को पूजते हैं और ये अपने कला से पैसे नहीं कमाना चाहते होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस वीडियो।